नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिक मास्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल जो मुकाबला होने वाला था उसको बारिश के चलते एम्पायरों ने रद्द घोषित कर दिया है और विश्व कप 2019 में अब तक 3 मैच वर्षा के कारण बिना बॉल फेंके रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे में ICC के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। बारिश के चलते मैच रद्द होने के बाद न्यूजीलैंड और भारत को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा और इस विश्व कप में बहुत से मैचों में वर्षा के कारण तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इंग्लैंड में विश्व कप आयोजित करवाया ही क्यों था। तो इस मैच में पहले न्यूजीलैंड के 3 मैचों में 6 पॉइंट थे और न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में पहले नंबर पे थी, जबकि भारत 2 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे था। और मैच रद्द होने के बाद दोनों ही टीमों को एक एक अंक दिए जाने के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम 4 मैचों में से 7 अंक के साथ पहले स्थान पर कायम है, जबकि भारतीय टीम को एक स्थान का फायदा हुआ है और अब तक मैचों में 5 अंकों के साथ इंग्लैंड को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मैच रद्द होने से इंग्लैंड की टीम को एक स्थान का नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। दोस्त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।